नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बाजारों के सितारे में। मैं हूं आपके साथ अखिलेश शाटी और बाजारों के सितारे में आज एक बार फिर से लेकर आ गया हूं कमोडिटी बाजार और शेयर बाजार का अपडेट। जानेंगे कि आज एस्ट्रो फाइनेंस के मुताबिक शेयर बाजार और कमोडिटी बाजार आज कैसे ट्रेड करते नजर आ सकते हैं आज हफ्ते के पहले कारोबार दिन सोमवार के दिन, और आज आपका राशिफल क्या कहता है, आज क्या आप लाभ कमाने की स्थिति में हैं या नहीं है। सबसे पहले बात करेंगे यहाँ से आज के राशिफल की, और आज का राशिफल जानने के लिए इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं बाजार के जाने माने एस्ट्रो मनी गुरु कर्नल अजय जी। कर्नल अजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका मार्केट एमसीबी पर। शुभ प्रभात अखिलेश शाटी जी एवं मार्केट टाइम्स के सभी दर्शक बंधुओं, मैं कर्नल अजय, सीईओ अजय एस्ट्रो मनी गुरु, फर्स्ट ग्लोबल एस्ट्रो फाइनेंस डिजिटल चैनल और मार्केट टाइम्स टीवी के संयुक्त प्रयासों से ये शो प्रसारित किया जा रहा है। आज 31 जनवरी सन 2022 कैलेंडर ईयर का अंतिम कारोबारी सत्र और सोमवार यानी सप्ताह का शुरुआती दिन बहुत महत्वपूर्ण दिन आज रहने वाला है, क्योंकि कल बजट से भी घोषणा माननीय वित्त मंत्री साहिबा करेंगी संसद के अंदर। आज के शो में के अंदर हम राशियों के आधार पर आपका नफा नुकसान, एग्रो कमोडिटीज के की संभावनाएं, शेयर बाजार के अंदर होने वाली हलचल और सोने चांदी या स्टील के अंदर क्या संभावना बनेगी उसके ऊपर विशेष चर्चा का प्रयास करेंगे। सबसे पहले राशियों के आधार पर आपका नफा नुकसान। भारतीय ऋषियों ने तत्वों के ऊपर बहुत गहन रिसर्च की है, अनुसंधान किया है, विशेष प्रयास कर आप तक अपनी बात पहुंचाने का प्रयास किया है। 5 तत्वों के अंदर सारी दुनिया को विभाजित करने का प्रयास किया है, जो बिल्कुल सटीक सैकड़ों साल पहले भी थी, आज भी है और कल भी होने की उम्मीद है। 5 तत्व अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल और आकाश। 4 तत्व, 5वां तत्व आकाश 4 तत्वों में समावेशित है। अग्नि तत्व की 3 राशियां 1, 5 और 9 यानी मेष, सिंह और धनु राशि आज आपके लिए दिन संभवतः लाभकारी हो सकता है, मुफीद रह सकता है, लाभ कमा सकते हैं, मुनाफा कमा सकते हैं, लेकिन 12 से 1 बजे के बीच में आपको अतिरिक्त सावधानी रखनी चाहिए। 2, 6, 10 ये है पृथ्वी तत्व की राशियां यानी वृषभ, कन्या और मकर राशि मिश्रित रुख की तरफ इशारा करेंगे, एक कदम आगे एक कदम पीछे, करूं ना करूं, कितना करूं, रुक जाऊं, देख लूं, क्या लेबल ठीक है, इस तरह की दिमाग के अंदर असमंजस स्थिति रहेगी, पूछ लूं कर लूं। 1 से 2 बजे के बीच में रखिए अतिरिक्त सावधानी। 3, 7, 11 यानी मिथुन, तुला और कुंभ राशि ये आपके लिए दिन संभवतः मुफीद ना रहे, अच्छा ना रहे। आप चमत्कारिक रूप से बुद्धिशाली हैं, कोई दो राय नहीं, विश्लेषण में आपकी महारत है, जो सोचते हैं वो होता भी है, लेकिन आज आप सावधानी रखें, 2, 3 से 4 बजे के बीच में बहुत अत्यधिक चतुराई ना लगाए, अन्यथा नुकसान हो सकता है। 4, 8, 12 कर्क, वृश्चिक और मीन राशि मिश्रित रूप की तरफ इशारा कर रही है, 2 से 3 बजे के बीच में आपको रखनी है अतिरिक्त सावधानी। अपने सीनियर सुपीरियर से बिल्कुल विवाद ना करें यदि आप नौकरी पेशा हैं, यदि आप कारोबारी हैं तो सोच समझ कर निर्णय लें और निर्णय लेने से पहले एक बार पुनः विचार कर लें। दोस्तों, ये था राशियों के आधार पर एक बड़ा नफा नुकसान। जी अखिलेश जी। जी कर्नल अजय जी, ये से कर्नल अजय जी बात करें अगर यहाँ से अब कमोडिटी बाजार की, तो कल को बजट पेश होने वाला है, आपको क्या लगता है कमोडिटी बाजार में कितनी हलचल देखने को मिल सकती है? अगर शुरुआत यहाँ से मसालों में करें तो मसालों में देख रहे हैं कि जीरे में काफ़ी शानदार बढ़त बनती नजर आ रही है, जीरा 19,000 के पार जा चुका है, 20,000 से बस कुछ ही पॉइंट की दूरी पर रह गया था, जीरे में देख रहे हैं शानदार तेजी बनती नजर आ रही है, लेकिन क्या यहाँ से जीरे में गिरावट भी बनेगी, क्या यहाँ से जीरे में एक हाई प्रॉफिट बुकिंग भी बन सकती है? देखिए, बड़ा अच्छा सवाल पूछा है अखिलेश जी, मैं आपको साधुवाद भी कहता हूँ कि आप बहुत मेहनत करते हैं और बड़ी बारीक और पैनी नजर बाजारों पर रखते हैं। जीरे के ऊपर मैं यही कहूंगा कि जो बिल्कुल छोटी अवधि के लिए ट्रेड करने वाले कारोबारी हैं, यानी एनसीडीएक्स के ऊपर कारोबार कर रहे हैं और फिजिकल से उनका कोई विशेष लेन देन नहीं है,
वो तो तेजी मंदी करके निकलते हैं, उनको आज तेजी जीरे के अंदर तेजी बनी रहने की संभावना बन सकती है। और जहां तक जो फिजिकल में काम करते हैं, लंबे समय तक अपना स्टॉक रखने की कोशिश करते हैं और अच्छी तेजी मंदी कर लेते हैं, उनके लिए भी यही है कि जीरे के अंदर उत्पादन की काफी कमी की सूचना की है, बिजाई बहुत कम है। गुजरात जैसे इलाके के अंदर जो जीरे का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य माना जाता है, वहां पे कमी है। तो वह जो हाजिर में रखना चाहते हैं उनको रखना चाहिए, जीरे के अंदर तेजी की संभावना बनती है। जी अखिलेश जी, जी तो यानी कि यहाँ से अभी जीरे में तेजी की संभावना बनती नजर आ सकती है, जैसे कि कर्नल अजय जी ने बताया कि यहाँ जो उत्पादन है वो थोड़ा कम है, क्रॉप कम देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से जीरे में यहाँ पे तेजी आगे बनती नजर आ सकती है। इसे कर्नल अजय जी बात करें अगर बिनौला खल की, तो बिनौला खल में देख रहे हैं कि लेवल तो ज़्यादा तेज देखने को नहीं मिला है पहले के मुकाबले, लेकिन देख रहे हैं सीमित दायरे में है। पहले 3400 का लेवल टच किया, फिर 3300, फिर 3200, अब देख रहे हैं कि यहाँ पे एक बार फिर से 3000 के बाद 3100 के लेवल पर ट्रेड करता नजर आ रहा है बिनौला खल। आपको क्या लगता है, क्या यहाँ से अभी बिनौला खल में ऐसे ही कुछ समय तक सीमित दायरा देखने को मिलता रहेगा? देखिए, बिनौला खल पे आपको याद होगा अखिलेश जी कि हमने मार्केट टाइम्स टीवी के माध्यम से सबसे पहले अग्रिम चेतावनी दी थी जी, जब बिनौला खल 3741 रुपए का उच्चतम भाव था और उस भाव के ऊपर लगभग सभी मार्केट विशेषज्ञ 4000 और 4200 की बातें कर रहे थे। उस वक्त हमने बिल्कुल स्पष्ट तौर पे कहा था कि सांस लेने के बाद छोड़नी पड़ती है, छोड़ने के बाद पुनः लेनी पड़ती है और यही सृष्टि का नियम है। तेजी मंदी, तेजी मंदी, मंदी तेजी, ये एक साइकिल है, इसको आप रोक नहीं सकते। और वही आप देखिए 3741 की खल अब 3100 के आसपास आ रही है, 3130-3120। तो कपास खली के अंदर ये क्योंकि कुछ महत्वपूर्ण फंडामेंटल्स हैं, उनको समझ लेना जरूरी है। बहुत अद्भुत मैं आपको मेरा विश्लेषण आप तक प्रस्तुत कर रहा हूं दर्शकों के लिए। देखिए, यदि कॉटन का यदि हम अनुमान लगाएं, क्योंकि कॉटन से ही बिनौला निकलता है, कॉटन सीड निकलता है और उसी से ऑयल निकलने के बाद ही कॉटन ये वेस्ट निकलती है, जिसे बिनौला खल के रूप में कही जाती है जी। एक महत्वपूर्ण पदबिंदु ये है कि जो सीसीआई के अभी इन्होंने ताजा तरीन जनवरी महीने के अंदर जो आंकड़े प्रस्तुत किए हैं उसके मुताबिक 3,61,000 यानी 3,61,00,000 कॉटन बेल्स का इन्होंने अनुमान लगाया था सितंबर अक्टूबर में 2021 में, जो कि गलत साबित हुआ। हमने लगातार आपको अनुमान और विश्लेषण के ऊपर डिटेल रिपोर्ट्स भी दी कि इससे हम सहमत नहीं है और उससे कॉटन में जबरदस्त तेजी दर्ज हो गई। अब महत्वपूर्ण पॉइंट यह है कि अब जनवरी महीने के अंदर यानी 5-6 महीने के बाद जब आधा सीजन निकल चुका है, फिर सीसीआई ने अपनी एक रिपोर्ट दर्ज की है और उसके अंदर 12,00,000 बेल्स की कटौती उत्पादन में दिखाई गई है जी। तो 3,61,000 की जो करोड़ की जो ये बेल्स का था उसमें 12,00,000 का कोई विशेष कटौती नहीं है यदि प्रोडक्शन में देखा जाए तो जी। एक बिंदु, और जो कॉटन के अंदर जब यदि बड़ी गिरावट प्रोडक्शन में नहीं है तो उसके खल के अंदर अवेलेबिलिटी और कॉटन सीड के अंदर कहां से कमी या बेसी हो जाएगी। पॉइंट ये है कि आप 3.48 लाख करोड़ आप बेल्स की बातें कर रहे हैं, 12,00,000 बेल्स की कमी के हिसाब से जी। तो वो जो उपलब्ध माल है उससे सीड तो निकलेगा ही निकलेगा, और वो जब सीड निकलेगा तो निश्चित रूप से उसकी मिलिंग भी होगी, उसकी तेल भी निकलेगा, कॉटन सीड का ऑयल भी निकलेगा और उससे कपास खली भी बनेगी जी। तो ये दोहराए के ऊपर बड़ा मुश्किल है क्योंकि ज्यादातर जो विशेषज्ञ बात कर रहे हैं कॉटन पे बात कर रहे हैं, लेकिन कॉटन के जो आंकड़े उपलब्ध है उन उपलब्ध के हिसाब से कॉटन की प्रोडक्शन में कोई बड़ी कमी नहीं आई है जी। जब कमी नहीं है तो निश्चित रूप से उसका कॉटन सीड भी निकलेगा ना जी। वो उसके ऊपर कोई चर्चा नहीं कर रहा है कि भाई समस्या क्या है।
तो मेरा यही कहना था, और जैसे ही सीसीआई ने आंकड़े जारी किए उसके ऊपर हमारा विश्लेषण आया कि भाई 3741 रुपए के ऊपर जो खल है इसके लेवल के ऊपर मुनाफा वसूल होना चाहिए जी। और आप देखिए कि लगभग 600 रुपए टूट चुके हैं जो करीबन 18-20% है, जो कम नहीं है जी। तो पॉइंट ये है कि अब हमें सरकारी आंकड़ों के ऊपर, ग्राउंड रियलिटीज के ऊपर, उसके ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। कॉटन खल को आप कॉटन के भावों से आप कंपैरिजन नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा जो उत्पादन है उस उत्पादन के अंदर सीसीआई के मुकाबले के लिए ने जो आंकड़े जारी किए हैं उसके हिसाब से मात्र 12 लाख बेल्स की कटौती है, जो कि ज्यादा नहीं है जी। उसी प्रतिशत के हिसाब से आप देखेंगे तो आप देखिए, तो ये मेरा कहना है। इसलिए कपास खली के अंदर जब हमने बिल्कुल स्पष्ट तौर पर कहा था कि इसके अंदर आप मुनाफा वसूली कर लेनी चाहिए, और वो उसके बाद देखिए 3741 से घट के ये 3100 के लेवल आ चुके हैं, 3120 तक, 3140-42, ये हमारा एक पॉइंट है। कॉटन की तेजी के साथ साथ कॉटन का उत्पादन को यदि हम नजर रखेंगे तो हम विश्लेषण कॉटन सीड ऑयल केक में कर सकेंगे। कॉटन अब ये भी एक बात आती है कि कॉटन की क्वालिटी जी, कॉटन के अंदर क्वालिटी कम या ज्यादा हो, ए ग्रेड की हो, बी ग्रेड की हो या दागी हो, लेकिन सीड तो सब में निकलेगा जी। सीड में कहां समस्या है? नेक्स्ट महत्वपूर्ण बिंदु, सरसों की बिजाई 24-25% रबी की फसलों में हो चुकी है। फरवरी महीने के अंत तक सरसों की फसलों का भी बात बनेगी। जब वो बेताशा फसल आएगी तो सरसों खल भी अवेलेबल होगी जी। तो कपास खली के जो दाम सरसों खल, सोया खल, मूंगफली खल, इनसे कंपैरेटिवली कंपैरिजन होगा, तभी आप नए भाव निर्धारित कर पाएंगे। ये महत्वपूर्ण चर्चा है, ये महत्वपूर्ण जो बिंदु है इसके ऊपर मैं मेरा मती है। तो कपास खली के अंदर लोगों को सावधान होना चाहिए, लेकिन कपास खली में फिर तेजी बनेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है जी। लेकिन वो कब बनेगी, किन लेवल्स में बनेगी? हमने आपको कपास खली के अंदर तेजी की बात 2200 रुपए के लेवल पे की थी, 2400 रुपए से लेवल की थी, जो कि 3700 रुपए का लेवल दिखाया। फिर 3700 रुपए पे हमने कहा था कि यहां पर मुनाफा वसूली बन सकती है, सावधान रहे। 3100 का लेवल आ गया है, क्या अब ये 3000 से लेवल से टूटेगा या फिर दोबारा 4000 के लेवल पे आएगा? हम आगे वाले एपिसोड्स के अंदर हम आपसे चर्चा जरूर करेंगे। जी अखिलेश जी। जी कर्नल जी, तो कर्नल अजय जी ने काफ़ी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स रखे हैं बिनौला खल और कॉटन के, कि जो कॉटन का जो प्रोडक्शन एस्टिमेशन दिया जा रहा है सीएआई कॉटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया द्वारा, उसमें सिर्फ और सिर्फ 12 लाख गांठों की कटौती की गई है, जो कि कोई बहुत बड़ी कटौती नहीं है। और जब इतनी कटौती नहीं है तो कपास से कपास बीज और कपास बीज से ही बिनौला खल, तो बिनौला खल में भी इतनी कोई ज़्यादा गिरावट देखने को नहीं मिलेगी, ऐसा कर्नल अजय जी का मानना है। और फिर वैसे भी इस बार सरसों का जो उत्पादन है बम्पर रहने की उम्मीद है, आवकों का प्रेशर बहुत अच्छा रहेगा, जिसकी वजह से जो सरसों का खल होगा वो भी ठीक ठाक ही देखने को मिलेगा। तो जब बाकी के खल भी मार्केट में अवेलेबल हो जाएंगे उसका कंपेरिजन बिनौला खल की कीमतों से भी किया जाएगा, तो हो सकता है कि जो मार्केट है बिनौला खल का ऐसे ही डाउन देखने को मिलता रहे, अभी ऐसा कर्नल अजय जी का मानना है। बिनौला खल में अभी थोड़ी सावधानी बरत के चलना सही रहेगा, लेकिन उनका यह भी कहना है कि इसमें जरूर तेजी भी जरूर बनेगी, लेकिन अब आगे कितने की बनेगी और कब बनेगी इसके लिए भी इसकी भी एक नई रिपोर्ट लेकर जरूर आएंगे कर्नल अजय जी के साथ। ये से कर्नल अजय जी बात करें अगर हम नॉन एग्री की, तो नॉन एग्री में सोने चांदी में क्या लग रहा है, क्योंकि देख रहे हैं कि सोना एक बार फिर से $1800 के नीचे लुढ़क चुका है, इक्विटी में देख रहे हैं शानदार उछाल है, सिल्वर भी देख रहे हैं गिरावट के साथ ट्रेड करती नजर आ रही है, ऐसे में आपको क्या लगता है, क्या सोने चांदी में कुछ बढ़त की संभावना है? देखिए पिछले सप्ताह गोल्ड में बहुत जबरदस्त गिरावट दर्ज हुई थी जी, एक तरफा गिरावट थी और बिल्कुल शॉकिंग थी,
अब मुझे लगता है कि गोल्ड का सीधा संबंध करेंसी फ्लक्चुएशन, जियोपॉलिटिकल टेंशन, अनसर्टेनिटी इससे होता है, लेकिन गोल्ड को एक सीमा से ज्यादा गिरावट को आप बांध सकते हो, वो ऐसा नहीं है एक वर्टिकल फॉल रहेगा। मुझे लगता है कि गोल्ड के अंदर अब धीरे धीरे तेजी की संभावना बनेगी, मजबूती की संभावना बनेगी, क्योंकि जो महत्वपूर्ण जियोपॉलिटिकल टेंशन अभी नजर आ रहे हैं वो है यूक्रेन मैटर, जिसपे अमेरिका और रशिया दोनों आमने सामने बिल्कुल हैं, और गौरतलब है कि चाइना ने रूस यानी रशिया की समर्थन का की घोषणा की है, और बात यहां तक नहीं है, बात स्पेस तक जा रही है, वहां पर भी ये एक दूसरे से तनातनी की बातें चल रही है। जब तक अमेरिकन एंड रशियन पैक्ट नहीं हो जाता, यूक्रेन को के मामले में शांति नहीं हो जाती, मुझे नहीं लगता कि गोल्ड के अंदर कोई बड़ी बहुत बड़ी और गिरावट की संभावना है। 2-3% की एक अलग चीज रहती है, ऐसा नहीं है कि गोल्ड के अंदर बहुत बड़ी गिरावट आ जाए। और एक और महत्वपूर्ण बात मैं टेक्निकल और फंडामेंटल कहता हूं, पिछले लगातार कई महीनों से भारतीय शेयर बाजारों के अंदर असमंजस चल रहा है, अनिश्चितताएं चल रही हैं, और कहा जाता है कि जब भी गोल्ड शेयर बाजार के अंदर गिरावट होती है तो उसका सकारात्मक प्रभाव बॉन्ड मार्केट के ऊपर, डिवेंचर मार्केट के ऊपर और गोल्ड के रूप में सकारक रूप में देखी जा सकती है। भारतीय मुद्रा रुपया की भी अब डेप्रिसिएशन हो चुका है, डीवैल्यूएशन हुआ है, मतलब इसको गिरावट रही है, कमजोरी रही है अमेरिकन डॉलर के मुकाबले भी, तो उससे भी गोल्ड को मजबूती में बल मिलता है, क्योंकि हमें जो पेमेंट करना पड़ता है वो डॉलर में करना पड़ता है, और यदि रुपया कमजोर है तो हमें ज्यादा पैसा देना पड़ता है, उसको देखते हुए भी गोल्ड के अंदर कमजोरी की संभावनाएं नजर नहीं आ रही। तो जहां तक एक या दो दिन का सवाल है, मुझे लगता है कि गोल्ड और सिल्वर के अंदर यानी बुलियन के अंदर यहां से मजबूती की संभावनाएं बनकर रही है। जी अखिल जी, इसे कनले जी बात करें अगर बेस मेडल्स की, तो बेस मेडल्स में आपको क्या लगता है, क्या बेस मेडल्स में यहां से बढ़त की संभावना है? देखिए, जो लंदन मेटल एक्सचेंज है, कॉपर की इन्वेंट्रीज हैं, और जो आगे वाला अभी फाइनेंशियल ईयर का जो लास्ट क्वार्टर है, और महत्वपूर्ण यह है कि भारतीय रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले कमजोरी दिखाता है, इन सबको देखते हुए मुझे लगता है कि कॉपर के अंदर अब तेजी की संभावनाएं बन सकती हैं। काफी दिनों से कॉपर एक रेंज बाउंड एक्टिविटीज पे मूव कर रहा है जी, और ये एक सही समय है कि कॉपर के अंदर निचले स्तर पर बाइंग करके चली जाए और इसके अंदर तेजी की संभावनाएं बनती है। जी अखिल जी, इसे कनल जी बात करें अगर स्टॉक मार्केट की, तो बजट से पहले देख रहे हैं कि स्टॉक मार्केट में उछाल देखने को मिल रहा है, आपकी क्या राय रहेगी, क्या यहां से स्टॉक में अभी और तेजी देखने को मिल सकती है? देखिए, जहां तक बजट का सवाल है, बजट के लिए सरकार के लिए बड़ी चुनौतियां हैं जी, महंगाई दर, बेरोजगारी दर तेजी से आगे बढ़ी है, और यदि किसी भी विकासशील और विकसित कंट्री का देखा जाए तो उसको 60% से अधिक उसके नौजवान श्रमशील कारोबार में या बेरोजगार नहीं होने चाहिए, जबकि हमारे यहाँ अधिक है। दूसरा, बेरोजगारी 2017 से या 2021 की देखी जाए उसके अंदर भी इजाफा है, ये एक अच्छे संकेत नहीं है, क्योंकि बेरोजगारी तब होती है तब आपका विकास अवरुद्ध होता है, बेरोजगारी तब होता है जब आपके उद्योग धंधे संगठित क्षेत्र के रोजगार देने में सक्षम नहीं हो पाते हैं, बेरोजगारी जब होती है जब सरकार रोजगार सरकारी महकमों में देने में असफल होती है, जब बेरोजगारी दर बढ़ती है तो वह निश्चित रूप से किसी भी देश की अर्थव्यवस्था के लिए एक सुखद संदेश नहीं है, महत्वपूर्ण बिंदु। दूसरा, बेरोजगारी दर के साथ में यदि महंगाई दर बढ़ रही है, चाहे वो थोक हो चाहे खुदरा हो, तो एक अलार्मिंग सिचुएशन बन जाती है। तीसरी महत्वपूर्ण बिंदु होता है राजकोषीय घाटा, वो भी जीडीपी के
परसेंटेज से के जो एक महत्वपूर्ण परसेंटेज है उससे अधिक हो रहा है। तो ये तीन बिंदु एक ऐसे हैं जो कि किसी भी देश की अर्थव्यवस्था का बिल्कुल इकोनॉमिक्स के हिसाब से आकलन करने में मददगार साबित होते हैं। तो कुल मिलाकर बजट के अंदर कि ओमिक्रॉन और कोविड की वजह से अर्थव्यवस्थाओं को बहुत परेशानी भी झेलनी पड़ी है, फिर पांच राज्य के इलेक्शन सामने हैं, तो मुझे नहीं लगता सरकार किसी भी रूप के अंदर टैक्सेस के अंदर यानी कॉर्पोरेट टैक्स के अंदर कुछ कटौती करने की घोषणा कर सकती है। जी, यद्यपि 2017 जब जेटली साहब प्राइम फाइनेंस मिनिस्टर थे उस वक्त भी ये कहा गया था कि कॉर्पोरेट टैक्स के अंदर कमी होगी, लेकिन वो नहीं कर पाए। जी, मुझे नहीं लगता है कि सीधा हमारी वित्त मंत्री महोदया इस बार कोई कॉर्पोरेट टैक्स के अंदर कटौती करने की नहीं करेगी क्योंकि बजट नहीं है। जी, किसी भी किस्म की टैक्स कटौती होना ये शायद संभव ना हो। कुछ टैक्स स्लैब्स आगे पीछे हो सकते हैं और इसका प्रभाव शेयर बाजार पे भी पड़ सकता है, लेकिन कुल मिला के ये जो बजट होना चाहिए वो कृषि उपज को आधार पर रख पे होना चाहिए, रूरल इकोनॉमी पे आधार पर रखने पे होना चाहिए, मध्यम वर्गीय लोगों की के आधार पे होना चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट की बात होनी चाहिए, एजुकेशन एक्स सर्विसमैन इनका हेल्थ केयर इसके ऊपर विशेष ध्यान होना चाहिए, इसमें कोई दोराय नहीं है, शायद ऐसा होगा भी। लेकिन यदि कॉर्पोरेट जगत कोई बड़ी रियायत की उम्मीद कर रहा है मुझे नहीं लगता इसमें इस समय होगा। एक और महत्वपूर्ण मैं चर्चा आपको करना चाहूंगा कि बजट की ये का बिल्कुल इमीडिएट पहला दिन है, कल बजट आ जाएगा। सबसे महत्वपूर्ण ये जो रहेगा कि कुछ सरकारी कंपनियों का डिसइन्वेस्टमेंट होने की सूचना मिल सकती है। क्रिप्टो करेंसी के ऊपर टैक्स, क्रिप्टो करेंसी को टैक्स के दायरे में लाया जा सकता है, ये संभावना है सारी। जी, और सबसे महत्वपूर्ण जो है कि जो कृषि उपज या कृषि इक्विपमेंट या कृषि भंडारण जैसी कुछ विशेष योजनाओं में सरकारी रियायतें मिल सकती हैं, तो ये तो संभव है। और इनको देश को देखते हुए मुझे लगता है कि बजट के अंदर सब कुछ होगा लेकिन कुछ भी नहीं होगा। सब कुछ होने के बावजूद भी लोगों को ये ढूंढना पड़ेगा कि मुझे क्या मिला। जी, तो कुल मिला के कंफ्यूजिंग सा स्टेट बजट आएगा, लेकिन बाजारों यहां तक शेयर बाजार पर प्रभाव का सवाल है, मुझे लगता है कि शेयर बाजार इसका फिर भी वेलकम करेगा। जी, फिर भी वेलकम करेगा क्योंकि निफ्टी शेयर बाजार का जो आप आकलन कर रहे हो वो उसकी निफ्टी और उसके सूचकांक के आधार पर कर रहे हो, बीएससी का सेंसस और एनएससी के अंदर निफ्टी, और वो कुछ कंपनियों के लिए बहुत मददगार साबित हो सकता है। तो कुल मिला के बजट शेयर बाजार के लिए सकारात्मक रहने की संभावना है। जी कर्नल जी, फिलहाल बाजारों के सितारे में अभी के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।